यहाँ पर अगर देखें तो हम जब ज्योग्राफी को कंप्लीट करेंगे, ज्योग्राफी कंप्लीट करेंगे, जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं भाई बहुत बहुत धन्यवाद, बाकी लोग भी जुड़ते रहिए जल्दी जल्दी, तो मैं यहाँ से कुछ चीज़ें आपको क्लियर करता चलूँ जो लोग मेरे साथ जुड़ेंगे। यहाँ पे जब आप ज्योग्राफी पढ़ोगे तो यहाँ पे आपको हिंदी और प्लस ये जो लेक्चर मिलेगा यहाँ पे इंग्लिश में मिलेगा, ठीक है, बायलैंग्वल रहेगा, ताकि जो और स्टूडेंट्स हैं जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं उनको भी ये चीज़ें समझ में आए। एक तो ये, दूसरी चीज यहाँ पे जो स्टूडेंट्स यहाँ पे कह रहे हैं कि नहीं हमें टोटल किस में पढ़ाइए, हिंदी में पढ़ाइए, तो थोड़ा सा आपके लिए ही बेनिफिशरी है ये। यहाँ पे अगर थोड़ी सी बात मैं करूँ, जैसे यहाँ पे आखिर मैंने क्यों इसको, जो लेक्चर मैंने लिखे हैं, जो लेक्चर मैंने पीछे आपके डाल रखे हैं, उसको मैंने क्यों इंग्लिश में डाला हुआ है, ये आपने सोचा ही नहीं। अगर मैं बात करूँ क्या अपने इसके लिए मैंने डाला या आपके लिए, ठीक है, तो अगर मैंने ये जरूरत करी है कि यहाँ पे लेक्चर मैंने इंग्लिश में डाल रखे हैं, तो मुझको पता है कि मैं आपको समझा लूंगा, ठीक है, मुझको पता है कि मैं आपको समझा लूंगा, आप समझ जाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे रखा है। हार्डली आप देखोगे, ज्यादा से ज्यादा इसमें, ज्यादा नहीं, इसमें से 100 शब्द, 100 शब्द इंग्लिश के ऐसे होंगे, केवल इतने ही आपको बार बार रिपीट में जब करता जाऊंगा आप सीख जाओगे, ठीक है, आप सीख जाओगे। जैसे मेरे स्क्रीन पे अभी आ रहा है गुड आफ्टरनून, ये सब इंग्लिश वर्ड ही है जिससे आप फेमिलियर हो गए हैं, आप इसको इसलिए रिजेक्ट कर रहे हैं, आप अभी इससे फेमिलियर नहीं है। तो मुझको आप, यदि आप मुझको यहाँ पे टीचर मान रहे हैं, एज आप मेरे स्टूडेंट बन रहे हैं, तो आप अपने आप को, आप मुझे केवल 5 दिन दीजिए, ठीक है, केवल कितना है यहाँ पे, 5 डेज दीजिए, ठीक है, 5 दिनों के अंदर आपको खुद हैबिट हो जाएगी इंग्लिश और हिंदी वाले लेक्चर की, प्रॉब्लम्स मैं बिल्कुल नहीं आने दूंगा, बीच में मैं हूं, कोई भी लैंग्वेज वो केवल कम्युनिकेट करने के लिए हम पे बनाई गई और बनी होती है, ठीक है, तो यहाँ पे मुझ पे भरोसा रखिए, मैं आपको समझा लूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि स्टूडेंट्स की कहाँ कहाँ पॉइंट्स हैं, कहाँ कहाँ समझने आई विल, ठीक है, चलो यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं आएगी, थोड़ा सा आप मुझ पे बिल्कुल, बस मैं मान के चल रहा हूँ कि आप मुझ पे भरोसा करें, ठीक है, जितने लोग की दिक्कतें हैं यहाँ पे, अगर आप लाइव आ रहे हैं, क्लास कर रहे हैं, तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप मुझ पे भरोसा करें, और मुझ पे भरोसा किए हैं तो मैं इस भरोसे को कामयाब रखूंगा, आपको पूरी लॉजिक यहाँ पे समझा के भेजूंगा, ठीक है। और एक बात भाई, जो लोग मेरे साथ हैं, जो लोग मेरे साथ हैं, ठीक है, यहाँ पे जो लोग भी मेरे साथ यहाँ पे जुड़ रहे हैं, तो यहाँ मैं पहले बता दूं, जिन लोगों ने ज्योग्राफी डीप में पढ़ रखी ये क्लास उनके लिए नहीं है, ठीक है, हाँ रिवाइज आप कर सकते हो, ये जो क्लास है बिगनर्स के लिए या अदर थोड़ा सा पढ़ रखा है उनके लिए क्लास है, बहुत डीप में जो पढ़ रखे हैं पहले से ही उनके लिए क्लास नहीं है, ठीक है। चलिए तो मैं स्टार्ट करता हूं अपनी क्लास को, जो लोग मेरे साथ जुड़ेंगे बाद में देखेंगे, तो यहाँ पे बार बार आप शिकायत मत करिएगा, सर हिंदी इंग्लिश केवल मैं आपसे 5 दिन मांग रहा हूँ, 5 दिन आप मुझको देकर देखिए, और इसके बाद आप खुद महसूस करेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट सब्जेक्ट होता है, कोई और फर्क इसमें आपको नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। चलो यहाँ पे देखते हैं, जो हम पढ़ रहे थे आज, मैं जो स्टार्ट करूंगा इसमें जो आपने पढ़ा हुआ है, कल हमने देखा है फर्स्ट वाले लेक्चर में क्या भाई, सोलर सिस्टम के बारे में देखा था, ठीक है, सोलर सिस्टम के बारे में देखा था, जिसमें हम क्या बोलते हैं इसको, सौर्य मंडल के नाम से जानते हैं इसको, हमने यहाँ पर देखा हुआ था, यहाँ के कुछ करेंट अफेयर हैं, यहाँ के कुछ करेंट अफेयर हैं, ठीक है, कुछ यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, करेंट अफेयर इसको हम अपडेट करेंगे, लेकिन इस करेंट अफेयर को अभी अपडेट हम नहीं करेंगे, पहले अपने लेक्चर धीरे धीरे हम कंप्लीट करते चलेंगे, फिर ताकि और सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ जाएं, तो बाकी जो करंट वाला पोर्शन मैं जब इसको कंप्लीट कर रहा हूंगा तो उनका भी फायदा हो जाएगा, ठीक है, तो इससे आपको भी फायदा मिलेगा, बाकी बच्चों को भी मिल जाएगा, ठीक है। देखिए जो लोग नहीं पढ़े हैं वो सीखें, मैं पहले कह रहा हूं यही जो सीखने वाली पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे एक टाइम ड्यूरेशन लगाया गया है कि इतने दिन में खत्म करना है, तो बहुत ह्यूज में मैं डीप में नहीं जा सकता, इसलिए जो लोग पहले पढ़ चुके हैं बहुत डीप में उनके लिए क्लास नहीं है, पहले मैं क्लियर कर दूं, नहीं बाद में आप मुझे गाली देना स्टार्ट करो कि सर ने ये चीजें नहीं पढ़ाई हैं, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ फाइन वाइन मैं नहीं लूंगा, ये सब आपकी इच्छा के ऊपर है, आपकी इच्छा के ऊपर है, आप सीखने के अगर सीखने के इच्छुक हैं तो आप बिल्कुल सीख जाएंगे, ठीक है।
चलिए अब अगर बात करें फ्रेंड्स, देखो यहां मैं भी हिंदी मीडियम का ही स्टूडेंट हूँ, स्टूडेंट रहा हूं आपके जैसे ही, ठीक है। मुझे यहां तक ज्योग्राफी में, अगर चलिए कुछ इंटरेस्टिंग बात कर ही लेते हैं, जब कर रहे हैं आप, 2 मिनट आपका लूंगा मैं। जब मैंने ज्योग्राफी स्टार्ट करी थी, मैंने एज ए ऑप्शनल अपने यूपीएससी में और पीसीएस में ऑप्शनल क्या रखा है, ज्योग्राफी रखा है, ठीक है। जब पहली बार मैंने स्टार्ट किया था ज्योग्राफी पढ़ना, तो जब सब लोग जैसा स्टूडेंट करता है, सब क्या करते, मैप ला करके अपने रूम में लगा लेते, मैंने भी लगाई थी। इंटरेस्टिंग बात यह है, जितने भी कॉन्टिनेंट्स थे, चाहे जितने भी प्रायद्वीप थे, महाद्वीप है, चाहे अमेरिका हो, चाहे अफ्रीका हो, ऑस्ट्रेलिया, जितने भी लगे थे, वो मुझको एक डिजाइन लगते थे। और खासकर जब अफ्रीका देखता था, अफ्रीका जो अलग अलग कलर में है, वहां पे लगता था कि बड़ा सा कपड़ा है, उसमें क्या किया गया, अलग अलग कलर के जो कपड़े हैं सिल दिए गए, ठीक है, मुझको इस तरह से लगता था। लेकिन जब मैंने ज्योग्राफी पढ़ी, सीखी, और सीखने के बाद मैंने देखा कि नहीं, ये डिजाइन नहीं है, ये क्या है, अब कैसा दिखता है मुझे, मैप की तरह दिखता है, ठीक है। मैथमेटिक्स का और फिजिक्स का स्टूडेंट, मैथमेटिक्स और फिजिक्स का टीचर होते हुए भी फिर भी मैंने क्या चूज किया, ज्योग्राफी चूज किया, मुझे समझ में आई। तो ऐसा हर्डल नहीं है कि आपको इसमें इंग्लिश बैरियर करेगा, किसमें, ज्योग्राफी को सीखने में, ठीक है। तो यहां पे बर्डन मैं नहीं आने दूंगा, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट मैं भी हूं, तो आपको मैं उसमें ही समझाऊंगा। इंग्लिश में है कुछ चीजें, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं उनको भी सीखने दीजिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहां पे अगर देखें तो हम लोग क्या यहाँ पे देखा है, हमारे पास सोलर सिस्टम, इसमें से हमने देखा करंट अफेयर, कुछ पार्ट हम उसका देखेंगे लेकिन बाद में। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, देखो कुछ लोग के साथ स्पीड की दिक्कत हो रही है कि बहुत तेज चल रहा हूं, ऐसे टॉपिक जिसके बारे में आप बहुत ज्यादा पढ़ चुके हैं उसको मैं जल्दी जल्दी खींचूंगा, जो जिस टॉपिक में रुकना है, आराम से चलना है, वहां मैं आराम से चलूंगा, ठीक है। तो पहले ये क्लियर करते चले ताकि बार बार आपके दिमाग में कंफ्यूजन ना आए, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। यहां पे अगर हम बात करें, आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने इसमें, पृथ्वी पर कुछ यहाँ पे रेखाएं देखेंगे, यहाँ पर लाइंस देखेंगे अपने, यहाँ पे जो हमने फर्स्ट क्लास में देखने की कोशिश करी थी, ठीक है। चलो यहां देखा जाए आज हम क्या करने वाले हैं इसमें एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे हम आएंगे, अगर जैसे मैंने कहा ना कि बिगनर की तरह अगर हम स्टार्ट करें, मान के चल रहे हैं कि और लोगों को कुछ नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे अगर मान के चले, जैसे अगर इसको एक कहानी की तरह लें, कहाँ पे एक पृथ्वी हम ले लेते हैं, क्या है हमारे पास, ये हमारे पास क्या एक ग्रह है, जिसको हम क्या करते हैं यहाँ पे पृथ्वी लेते हैं। अब अगर हम पृथ्वी लेंगे एक ग्रह की तरह, तो यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं कि आप जैसे मार्केट से क्या करिए, एक फुटबॉल लेके आइए, मार्केट से फुटबॉल लेके आइए, उस पर कोई लाइन नहीं है, कुछ नहीं है, अब आपको उस पर क्या करना है, लाइन अलग अलग खींचना है। तो इसको खींचेंगे कैसे, यहाँ हम मान के चलते हैं, जैसे मान लिया कि ये क्या है आपका, ये मैं केवल कहानी की तरह इसको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, सीखते चलो। जैसे मान लिया कि यहाँ पे ब्लैक होल है, ठीक है, और क्या है, यहाँ पे दो ग्रह अलग अलग ले लेते हैं, एक को बी ले लेते हैं और एक को ए और एक को बी ले लेते हैं। अब इन बंदों की जो ग्रह है, ये अलग अलग जो ग्रह प्लैनेट इनके रहे हैं, ब्लैक होल क्या कर रहा है, इसको अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है। अब ये क्या होने वाला है, ये ग्रह क्या करेगा, नष्ट हो जाएगा, क्यों, ब्लैक होल क्या करेगा, इसको टोटली अपने तरफ खींच लेगा। ब्लैक होल क्या होता है, ब्लैक होल क्या होता है, ये मान के चलो एक बुझा हुआ तारा है जो सिकुड़ गया है, और उसके अंदर गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा है कि ये अपने आसपास के जितने ग्रह है उसको अपने इसमें खींच लेगा। अब यहाँ के दो बंदे कहते हैं कि हमको बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, किसी अन्य ग्रह पे जाना चाहिए। यहाँ का भी बंदा है कहता है हमें भी क्या करना चाहिए, बचने के लिए किसी अन्य ग्रह पे जाना चाहिए। अब ये दोनों क्या करते हैं, अपनी पृथ्वी की तरफ, हमारे पृथ्वी की तरफ आना स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक दूसरे से जब बात करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं कि हमें पृथ्वी पर मिलना कहाँ है, तो यहाँ पे अगर मान लो पृथ्वी पर ये एक बंदा यहाँ उतरा, दूसरा यहाँ उतरा, तो लोकेशन हमको पता नहीं चल पाएंगे। अब क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे पृथ्वी पे हमें क्या करना पड़ेगा, लोकेशन इन लोग को ढूंढना पड़ेगा कि एक्चुअली हमें पृथ्वी को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लें, लोकेशन देख लें, तब जाकर एक दूसरे की जगह पे हम क्या करेंगे, लैंड करेंगे और एक दूसरे से मिल पाएंगे, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है, पहले इन बंदों को यहीं रोकते हैं, इन बंदों को यहीं रोकते हैं, और ये बंदे अपने स्पेस में बैठे बैठे अपने उसमें स्पेस क्राफ्ट में यहां पे क्या करेंगे, इस पे लाइन खींचना स्टार्ट करेंगे और इस पे लोकेशन बताएंगे और एक दूसरे से कम्युनिकेट करके बताएंगे, ठीक है।
चलिए आगे देखा जाए भाई, सबको गुड आफ्टरनून, जितने लोग भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। यहां देखो, अब हम बात करते हैं अपनी पृथ्वी की। तो यहाँ पे सबसे पहले जितने लोग भी नए अगर होंगे, तो ये सबसे पहले लोकेशन है, आप जानते रहे, नॉर्थ होता है, साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है। अब हम क्या करेंगे, अपनी पृथ्वी को दो भाग में बांट देंगे, जैसा कि आप सबने देखा हुआ है, जैसा कि आप सबने क्या किया हुआ है, यहाँ पे देखा हुआ है। अब जैसे अगर हम बात करें, यहाँ पर पृथ्वी को अगर हम दो भागों में बांट दिए, सबसे पहले हमारे पास ये क्या था, एक गोला था। सबसे पहले क्या है, हमारे पास एक स्फीयर है। जैसे ही इसको हमने दो पार्ट में बांटा, तो क्या हुआ, गोलार्ध हो गया। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, गोले का आधा करेंगे तो क्या बन जाएगा, गोलार्ध। और एक हमारे पास क्या मिल जाएगा, ये गोलार्ध हो जाएगा। तो हमारे पास ये वाला पार्ट हो गया एक सेमी स्फीयर, और ये भी क्या हो जाएगा, सेमी स्फीयर का पार्ट हो जाएगा। और जिस लाइन ने इसको यहाँ पे डिवाइड किया है, इसको हमने क्या कहा, 0 डिग्री। और पहले भी मैंने बता रखा है कि हमारे पास ये क्या होगा, इसको हमने क्या कहा है, विषुवत रेखा। और इसी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, इक्वेटर के नाम से, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको जानते हैं। जब हमने दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया, अभी मैंने आपको समझाया कि हमारे पास डायरेक्शन है, इस वाले को हमने नॉर्थ कहा, इसको हमने साउथ कहा है। तो ऊपर वाले पार्ट को हम कहेंगे उत्तरी गोलार्ध कहेंगे, नीचे वाले पार्ट को हम कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे। लेकिन अब दो बंदे आपस में फिर बात करते हैं, कहते हैं गोलार्ध तो और तरीके से हो सकते हैं, कैसे, कहेगा कि भैया ऐसे भी तो हो सकता है। ठीक है, तो यहां पे कहेगा बिल्कुल हो सकता है। तो इस वाले को हम बोलेंगे क्या, पश्चिमी गोलार्ध बोल देंगे, यहाँ पे पश्चिमी गोलार्ध हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वेस्टर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा। और अगर हम बात करें इधर वाला, हमारे पास क्या हो जाएगा, पूर्वी गोलार्ध हो जाएगा, गोलार्ध। ये हमारे पास ईस्टर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा। अब हम जो पीछे हमारे गया, जो गोलार्ध पीछे गया, जो इस वाला, ये वाला गोलार्ध है, इसको अगर देखें, तो अगर दोनों में हम देखें तो हमारे पास क्या है, इस वाले में जब हम इसकी बात करेंगे और जब हम इन दोनों की बात कर रहे होंगे, चाहे उत्तरी गोलार्ध की और चाहे हम दक्षिणी गोलार्ध की बात करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास जब हम विषुवत रेखा से जीरो की तरफ, जीरो से हम क्या करेंगे, धीरे धीरे ऊपर बढ़ते जाएं, और एक यहाँ पे हमने बिंदु लिया जिसको हमने 90 अंश कहा, और एक बिंदु हमने यहाँ पे लिया जिसको हमने 90 अंश कहा, इसको हमने क्या कहा, दक्षिणी ध्रुव कहा, दक्षिणी ध्रुव, जिसको हम लोग पोल बोलते हैं। इसको अगर देखें तो ये हमारे पास क्या है, उत्तरी ध्रुव है, ये हमारे पास नॉर्थ पोल हो गया, और ये हमारे पास साउथ पोल हो गया। ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में अगर विषुवत रेखा से हम क्या करते हैं, अपने नॉर्थ पोल की तरफ बढ़ेंगे, तो एक एक डिग्री हम क्या करते चले जाएंगे, ऊपर बढ़ते चले जाएंगे। तो अगर इसको हम इस तरह से लाइन खींचते हुए चले जाए, इस तरह से लाइन खींचते चले जाए, और इस तरह से, अब जब हम क्या करेंगे, नॉर्थ की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, तो जितनी लाइन होगी उन सब के साथ जब लोकेशन देंगे, तो यहाँ पे हम इनके साथ नॉर्थ लगाएंगे, इनके साथ सबके साथ क्या लगाएंगे, नॉर्थ। क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहां वाली लाइन और जो इसमें हम खींचेंगे लाइन में, दोनों में डिफरेंस पता रहे। कैसे, अब यहां पे देखें, ये हो गया, इसको हम क्या बोल दें, साउथ बोल दें, ये साउथ हो गया। ठीक है, अब अगर हम देखें, देखो यहां पे जो लोग लिख रहे हैं, पीडीएफ मिलेगी, बिल्कुल पीडीएफ मिलेगी, जिनको हिंदी में चाहिए होगा हिंदी में दिलवा दूंगा, और जिसको इंग्लिश में चाहिए वो इंग्लिश में ले लेगा। चलिए आगे देखते हैं। तो यहां हमारे पास क्या है, जिनको लग रहा है कि आप पढ़ा रहा हूं, तो ये इसको भूगोल कहते हैं, ज्योग्राफी। ठीक है, ज्योग्राफी में हम पढ़ रहे हैं क्या, पृथ्वी पर जो इंपॉर्टेंट रेखाएं हैं, लाइन है, उनके बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें विषुवत रेखा और देशांतर रेखा को हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो अब अगर हम बात करें, यहाँ पे हमारे पास 0 अंश, जब हम क्या करेंगे, ऊपर बढ़ते जाएंगे, इसको नॉर्थ, नॉर्थ हम जितने लाइन पढ़ेंगे नॉर्थ में, और इधर हम जितने पढ़ेंगे इसे हम क्या बोलेंगे, साउथ वाली लाइन। मतलब इनको अगर जब नाम देंगे, क्या क्या नाम देंगे, अब यहां से सीखो, जब हम इनको नाम देते जाएंगे, जब हम इनको नाम देते जाएंगे, 0 अंश ऊपर चलते जाएंगे, जैसे 1 डिग्री नॉर्थ, 2 डिग्री, 2 डिग्री नॉर्थ, 3 डिग्री नॉर्थ, ऐसे करके जब चलेंगे, जब 90 वाले पहुंचेंगे, तो इसको भी हम क्या लिखेंगे, नॉर्थ। और जब हम क्या करेंगे, इस पे आते जाएंगे,
तो इनके साथ हम क्या लिखते जाएंगे, साउथ लिखते जाएंगे, ठीक है। इसके साथ क्या, एक डिग्री साउथ, दो डिग्री साउथ, तीन डिग्री साउथ, और यहां वाला जब आएगा 90 डिग्री साउथ वाला आएगा, ठीक है। तो दोनों में क्या होगा, अंतर हमें क्या होगा, स्पष्ट होना चाहिए। अब जब हमने देखा था दो हेमी स्फीयर लिया था, दो हेमी स्फीयर को लेने के बाद जैसे हमने क्या किया था, हेमी स्फीयर की ही बात करें तो हमने इसके पहले देखा था इस वाले भाग में, तो जो पीछे हमने देखा और यहां देखा, दोनों को अगर आपस में मिला दें, दोनों को अगर आपस में मिला दें तो यहां पे अगर हम देखें तो इन दोनों को जब हम आपस में मिलाएंगे तो हमारे पास जो हेमी स्फीयर है, जो हमारे पास हेमी स्फीयर है, हमारे पास कुछ इस तरह से मिलेगा। ऐसे देखो, यहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हुआ एक गोलार्ध, ये हमारे पास दूसरा वाला है, ठीक है। इस तरह से अगर कर देंगे तो हमें पूरी पृथ्वी चार भाग में बटी हुई दिखाई देगी, ठीक है, चार भाग में बटी हुई दिखाई देगी। अब अगर हम इस वाले पार्ट की बात करें तो हमारे पास नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट, ये हमारे पास ईस्ट है, और ये हमारे पास क्या है, वेस्ट है, ये पश्चिम वाला भाग है। अब हम बात करते हैं जो दो बंदे हैं यहां पे, जो ए है और जो बी है, अब एक दूसरे से डिसाइड करते हैं कि हमें आना कहाँ है। तो यहाँ पे एक दूसरे से डिसाइड करके सोचते हैं कि अब इन सब में हमें कहाँ उतरना है। मान लिया कि इन बंदों को यहाँ पे उतरना हो तो हम क्या करेंगे, अलग अलग इनकी डायरेक्शन भी बता सकते हैं। कैसे, जैसे यहाँ की अगर हम बात करें, इस वाले पार्ट को हमने कहा साउथ है, इस वाले पार्ट को कहा नॉर्थ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। जब हम इसकी बात करेंगे तो हमारे पास ये क्या आएगा, नॉर्थ, उत्तर और पूर्व आएगा, उत्तर पूर्व डायरेक्शन। इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये वाला कौन सा पार्ट आएगा, साउथ और ईस्ट आएगा, दक्षिण और पूर्व आएगा। इस डायरेक्शन की बात करेंगे यहां वाले की तो ये हमारे पास साउथ और वेस्ट आएगा, दक्षिण और पश्चिम। जब इसकी बात करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, उत्तर और पश्चिम। तो ये हमारे पास क्या है, डायरेक्शन, ठीक है। ग्रुप में मैं पीडीएफ डलवा दूंगा, बिल्कुल, थोड़ा सा और स्टूडेंट्स को जुड़ जाने दीजिए, ठीक है। मैं आपके इसमें पीडीएफ जरूर दिलवा दूंगा। अभी इतनी गहराई में हम नहीं गए हैं टॉपिक में कि बहुत ज्यादा अभी आपको आवश्यकता है किसकी, पीडीएफ की। आप रुके रहिए, दो चार लेक्चर में मैं दिलवा दूंगा, ठीक है। चलो, अब यहां पे हम डायरेक्शन की जब बात करेंगे यहां पे, तो ये दोनों बंदे कहां उतरने वाले, यहां पे। अब जब दोनों बंदे यहां पे उतरते हैं तो यहीं पे इनको दिखाई देता एक देश दिखाई देता है, यहां पे एक देश मिलता है जिसको हम क्या बोलते हैं, भारत देश, भारत देश, ठीक है। तो यहीं पे हमें क्या मिल गया, इस वाले पार्ट में भारत देश। अगर इसकी हम बात करें भारत देश की, ठीक है, तो भारत देश में अगर हम देखें तो यहां पे लोकेशन की बात आती। अब यहीं से क्वेश्चंस देखो स्टार्ट होने शुरू हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस स्टार्ट होने शुरू हो जाएंगे। अब अगर हम बात करें यहां पे नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है और वेस्ट है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की यहाँ पे जो इंडिया की लोकेशन किस गोलार्ध में है, तो हम बताएंगे, अगर गोलार्ध की केवल हम ऐसे बात करेंगे तो हम बताएंगे उत्तरी गोलार्ध का देश है। अगर आपसे गोलार्ध में ऐसे पूछा जाए, अगर गोलार्ध में आपसे ऐसे पूछा जाए तो हम बोलेंगे यहाँ पे पूर्वी गोलार्ध का देश है। जब आपसे इस तरह से पूछा जाए तो हम बोलेंगे किसका देश होगा भाई, नॉर्थ और ईस्ट का, पूर्वी और उत्तरी या उत्तर और पूर्व के देश का एक भाग है, ठीक है। हमारे देश की लोकेशन पूछता है तो आप इस तरह से बताएंगे। अब हमारे पास आता है कि एग्जैक्ट लोकेशन इसकी हम कैसे बताएंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अलग अलग लाइनें और खींचनी पड़ेंगी, अलग अलग लाइनें और खींचनी पड़ेंगी इस तरह से, जो इसके इसके एकदम इसको एकदम छू कर जाए, ठीक है। तो उसके लिए हमें अक्षांश और देशांतर को और डिटेल से पढ़ना चाहिए, ठीक है। यहां पर किसी को बता दीजिए, समझने में किसी को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, यहां पर किसी को समझने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। किसी को कुछ दिक्कत समझने में,
फिर से मैं पूछ रहा हूँ, किसी कोई दिक्कत है प्लीज पूछ लीजिए, और किसी कोई दिक्कत नहीं हो रही तो मैं आगे बढ़ूँ। चलिए अब आते हैं अपने पार्ट पे, ठीक है। जब हम स्टार्ट करेंगे अपने, चलिए कोई नहीं, किसी कोई दिक्कत नहीं है, ओके चलिए ठीक है। अब आपके स्क्रीन पे हम आते हैं, यहां पे जब हम अपने यहां पे बात करेंगे, अब अगर अगर आप ध्यान दें क्लास में, तो यहां पे अगर आप देखोगे आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, तो यहां पे हमारे पास दो पार्ट में है। एक अगर हम देखें तो हमारे पास यहां पे अर्थ के हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे, तो मैंने पहले ही भी बताया था कि यहां पे हमारे पास लैटिट्यूड का मतलब होता है, पहले ही मैंने बताया लैटिट्यूड का मतलब हम अक्षांश की बात करते हैं, और लॉन्गिट्यूड का मतलब हम किसकी बात करते हैं, यहाँ पे देशांतर रेखा की बात करते हैं। जब हम अपने इसी पे इसी अक्ष पे हम बात करें, अलग अलग पार्ट की बात करेंगे कि हमारे इसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट लाइन होनी चाहिए, तो उन्हीं इंपॉर्टेंट लाइन की अगर आप बात करोगे तो हमारे पास पहले भी हमने देखा था, जैसे लैटिट्यूड की बात करें तो मैंने बताया कि हमारे पास ऐसी रेखाएं हैं, और अगर आप लॉन्गिट्यूड की बात करोगे तो आपके यहाँ पे खड़ी खड़ी रेखाएं खींची गई हैं, ये आप लोग को स्पष्ट दिख रहा होगा, ठीक है। ठीक है, देखो ये आपको आराम से दिख रहा होगा। अब हम आते हैं इसमें इंपॉर्टेंट लाइन की बात करते हैं, तो सबसे पहले इनमें से हम उठाएंगे किसको, अपने देशांतर रेखा को लेने वाले, सॉरी हम अपने किसको लेने वाले, यहाँ पे अक्षांश रेखा को लेने वाले हैं। जब अक्षांश रेखा की ओर हम आगे बढ़ेंगे तो इसी में हमारे पास आएगा यहां पे अपने अक्षांश रेखा को, ठीक है। अब वॉइस क्लियर आ रही है? अच्छा, वॉइस दूसरे चीज के लिए। चलो देखो यहां पे अगर हम बात करें तो यहां पे जो हमारे पास अक्षांश रेखा है, यहां पे जब हम बात करेंगे अपने अक्षांश रेखाओं की बात करेंगे, तो अक्षांश रेखा में हमारे पास इस तरह जो स्क्रीन पे आपके दिया होगा, ये आपके काम का नहीं है, तो इस वाले पार्ट को मैं यहाँ पे हटा रहा हूँ, ये आपको डिटेल से मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर क्लास बहुत लेंदी होनी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे केवल हम क्या करेंगे, अपने कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट को लेते हुए चलेंगे। जब हम लोग क्या करें, अपने इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट को लेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, पहले भी हमने देखा हुआ है, पहले भी हमने देखा हुआ है कि हमारे पास क्या है, 0 डिग्री, और ये हमारे पास क्या है, देखो इन्हीं इंपॉर्टेंट लाइन में हम क्या करेंगे, दो तीन लाइन को एक्स्ट्रा लेंगे और उन लाइन के ही नाम को जानेंगे, उन्हीं लाइन पे हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं, उन्हीं को हम पूरी अपने भूगोल में पढ़ते हैं। एक्स्ट्रा लाइंस जब आएंगी तो उनके बारे में डिटेल से बाद में देख लिया जाएगा, ठीक है। तो अगर हम यहां पे बात करें अपने इसमें, मैंने आप लोग को कहा है कि आप लोग इस पे जब मैसेज करिए, मैं उसको पढ़ता वढ़ता नहीं हूं, ठीक है, जो इसमें काम की चीजें होंगी मैं उसे पढ़ूंगा, ठीक है। अगर टॉपिक से आप पूछोगे आई विल, अगर आप मेरे बात इस पे लिखते जाएंगे मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, टॉपिक पे आप आइए, ठीक है। चलो देखते हैं इस पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 0 डिग्री। फिर अगर हम बात करें यहाँ पे 23 1/2 डिग्री, ये हमारे पास नॉर्थ है। इसी में हम क्या ले लें, 66 1/2 डिग्री, यहाँ पे हम लोग क्या करें, नॉर्थ ले लें। अब इधर ही चले आए 33 2/2 डिग्री, साउथ ले लें, और यहीं पे अगर देखें 66 1/2 डिग्री, हम क्या करें, साउथ ले लें। और हमारे पास यहाँ का है 90 अंश का, यहाँ पे भी ले लें। तो ये हमारे पास लाइन है, इंपॉर्टेंट लाइन जो हमें देखनी है। यहाँ मैंने आपको पहले ही बताया है कि 23.5 वाली को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। 23.5 वाले को हम लोग क्या जानते हैं, मकर के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। देखो जो लोग सीखने की उम्मीद से बैठे हैं तो इन सब नाम को धीरे धीरे दिमाग में डालते रहो। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऊपर वाला है, ठीक है, ये ऊपर वाला। यहां पे अगर हम बात करें ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है। तो हम और इस वाले को हमने क्या कहा था, विषुवत रेखा कहा है, ये आपको पता है विषुवत रेखा। अब इसके बाद जो हमारे पास 66 डिग्री वाला है, तो 66 डिग्री वाले के पास ही अगर बात करें, एक महासागर की बात करते हैं जिसको हम आर्कटिक बोलते हैं, आर्कटिक बोलते हैं।
इसी छाछ इसी में अगर हम नीचे जल चले जाएं तो यहीं पे हमारे पास दक्षिणी गोलार्ध पर जो बर्फ का भंडार है उसको अंटार्कटिक बोलते हैं। यहां पे क्या आएगा? अंटार्कटिक। एक हमारे पास आया आर्कटिक, एक आया अंटार्कटिक। आई होप आप लोग को नीचे शायद ना दिख रहे हो, ठीक है? तो मैं इधर लिख दे रहा हूं फिर से, यहां पे शायद नीचे ना दिख रहा आप लोग को। यहां पे हम बात करें छाछट वाले की, यहां पे बात करेंगे छाछट साउथ वाले की, तो इसको हम लोग बोलते हैं यहां पे आर्कटिक, अंटार्कटिक। अंटार्कटिक आएगा, साउथ वाला अंटार्कटिक। लेकिन यहां पे केवल अंटार्कटिक नहीं बोलते, यहां पे अगर बात करें तो इसको वृत्त बोलते हैं। अंटार्कटिक सर्कल के नाम से, और इस वाले को यहां पे बोलेंगे 66 डिग्री, 1/2 डिग्री। यहां पे नॉर्थ वाले को यहां पे आर्कटिक सर्कल या आर्कटिक वृत्त के नाम से हम क्या करते हैं इसको जानते हैं, आर्कटिक वृत्त के नाम से जानते हैं। फिर इसके बाद हम कहां पहुंच जाएंगे? पोल वाले पहुंच जाएंगे। यहां पे हमारे पास पोल है, ठीक है? 90 वाला हमारे पास कहां पहुंच गए? पोल पे पहुंच गए, ध्रुव पे। और ये वाले पे हम कहां पहुंच जाए? 90 डिग्री वाले पे, पोल पे पहुंच जाएंगे, ठीक है? आई होप आप लोग को ये चीजें क्लियर होगी। अब हमारे पास आता है छोटे छोटे पॉइंट्स और हम बात करें। यहां पे अगर हम बात करें, जैसे आप सबने होली में चिप्स तो खाई ही होगी। अगर होली में जब हम आलू लेते हैं तो आलू क्या करते हैं, हम चिप्स उसका बनाना स्टार्ट करते हैं, तो पूरी पृथ्वी को अक्षांश रेखा क्या करती है, चिप्स की तरह क्या करती, बांट देती है, ठीक है? अब अगर हम यहां की बात करें 0 डिग्री वाले का, तो यहां पे जो चिप्स निकलेगा वो सबसे बड़ा होगा, जब ऊपर वाला जो 1 डिग्री वाला होगा छोटा चिप्स, जब बड़ा वाला होगा यहां पे तीसरा चौथा, तो इसका मतलब है 90 अंश वाला जो होगा वो सबसे छोटा होगा, एक बिंदु की तरह होगा। तो यहां वाला क्या होगा, 0 वाला सबसे बड़ा, यहां पे अगर बात करें उससे छोटा, फिर बात करें उससे छोटा, इस तरह से क्या होता जाएगा, यहां पे इसकी तरफ हम घटते हुए चले जाएंगे। लेकिन दोनों के बीच, दोनों लाइनों के बीच, किन्हीं दो क्रमागत लाइनों के बीच, जो कॉन्जिक्यूटिव लाइन्स हैं, दोनों के बीच अगर हम बात करें तो यहां पर इन दोनों के बीच जब दूरी की बात करेंगे तो आता है 111 किलोमीटर की दूरी आती है, ठीक है? ये फैक्ट है, रट लेना आपके एग्जाम में भी छोटे एग्जाम पूछे जाए ना पूछे जाए, इन दोनों के बीच में दूरी आती है। और सबसे बड़ी लाइन ये है, उसके बाद क्या होती, पोल तरफ घटती हुई चली जाती है। जब हम इसी तरह से यहां पे खींचते चले जाएंगे, ये भी घटता हुआ चला जाएगा। तो यहां पे 0 वाला एक ले लो, 0 वाला एक ले लो, एक रेखा हो गई, और 90 तो ये हो गए, 1 से लेकर 90 ये वाला हो गया। फिर एक हम और लाइन ले लें तो हमारे पास क्या, 90 ये वाला हो गया। टोटल अगर हम पूरे इसमें अक्षांश की बात करें तो हमने कितनी लाइन खींच रखी है, 100। टोटल अगर बात करें तो हम लोग कितनी लाइन खींच रखी, 181, 181। तो पूरे हम इसकी बात करें तो हमारे पास जो टोटल लाइंस हैं कितनी आ जाती, 181 के इक्विवेलेंट आती है, ठीक है? चलो आगे देखते हैं। अब अगर हम बात करते हैं, ये तो हमारे पास इसके पास हुआ, यहां पे आते कुछ फैक्ट की बात करते हैं। ये जो लिखा हुआ है आप इस पे पढ़ लीजिएगा, जितने भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, और बाकी यहाँ पे जो अभी आप समझ रहे हो यहाँ पे समझो, बाकी चीजें मैंने आप लोग को बता रखी हैं। जब हम लोग के पास ये वृत्त आपको दिखाई दे रहा होगा तो यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे 0 डिग्री वाले को मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है, ये 23.5 वाला है, और ये हमारे पास क्या है भाई, 66 वाला है, ये वाला हमारे पास नॉर्थ वाला, ऑलरेडी मैंने आप लोग को ये समझा रखा है, ठीक है? तो जो लोग इंग्लिश मीडियम के हैं वो बाद में इसको अपना स्क्रीन पे पढ़ लेंगे, उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है? यहाँ पे हमारे पास क्या है, अब हम आगे जब बढ़े इसी पे तो हमारे पास आता है, यहीं पे मैंने बताया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के लिए बताया, लाइन्स अलग अलग में बताई, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के लिए मैंने आपको बता दिया। फिर यहीं पे हम आएंगे 66 1/2 डिग्री नॉर्थ को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर्कटिक सर्कल के नाम से जानते हैं। उसी में अगर हम बात करें तो 66 1/2 डिग्री वाला जो वो अंटार्कटिक सर्कल के नाम से आता है, और टोटल कितनी लाइन खींची जाती जा सकती है इस पे, यहाँ पे 181 लाइन यहाँ पे खींची गई है। इतनी पॉइंट मैंने आप लोग को यहाँ पे समझा दिया है। अभी रुके रहो संध्या जी, क्वेश्चन में लास्ट में जरूर करवाता हूँ या तो अगले क्लास में, तो क्वेश्चन बीच में अभी मत करिए कि कैसे आते हैं, ये बाद में बताऊंगा, क्वेश्चन में आपसे करवाऊंगा तब आपको पता चल जाएगा, ठीक है? अभी यहां पे हम आते हैं,
फिर से अब यहां पे जब हम आए तो हमने क्या कहा कि हमारे पास अगर एक डिग्री के बराबर मतलब दो लाइन जो है, एक डिग्री, दो डिग्री, तीन डिग्री, तो एक डिग्री और दो डिग्री के बीच में अंतर देखें तो कितने किलोमीटर का, एक यहां पे 111 किलोमीटर का। इसका मतलब एक डिग्री बराबर किसका, अक्षांश का। एक डिग्री किसका, अक्षांश का। यहां पे जब हम एक डिग्री अक्षांश की बात करेंगे, दो अक्षांशों के बीच की दूरी, तो यहां पे 111 किलोमीटर होगा। ठीक है सर, हिंदी मीडियम वाले क्या करेंगे? अरे बाबू, अभी हिंदी में पढ़ाया तो, और जितना भी पार्ट था मैंने इंग्लिश में सिखाया, क्या दिक्कत है? अजय वर्मा, इसके पहले मैं हिंदी में पढ़ाया और 2 मिनट रुक करके मैंने इंग्लिश में बताई, क्या दिक्कत है? हिंदी वाले मुझसे पढ़ेंगे और हिंदी वाले 5 दिन अपने आप को मुझको देंगे, और उसके बाद जो नोट्स मिलेगी वो इंग्लिश हिंदी में मिलेगी, और इंग्लिश में जिसको बंदे को चाहिए मुझसे बता देगा। ठीक है? हाँ बाबू, यहाँ पे हिंदी मिलेगा। ये जो स्क्रीन पे आपको जो नोट्स है, ये नोट्स जो है ये किसी को नहीं मिलेगी। ये जो नोट्स है ये पढ़ाने के लिए केवल है, स्क्रीन वाली किसी को नहीं मिलेगी। देखो नोट्स आप जो कह रहे हैं यादव जी, यादव शशि जी, कि बनवाइए, यहां मैं बनवा नहीं सकता, क्योंकि ये जो ड्यूरेशन है क्लास की बहुत लंबी नहीं है। ठीक है? तो यहां पे मैं नोट्स आपको बोल बोल के नहीं बनवा पाऊंगा। यहां से पीडीएफ आपको जाएगी, जितना आप समझ लेंगे उसको आप वहीं से पढ़ना है आपको। ठीक है? तो मैं पहले क्लियर कर दूं यहां से, यहां पे मैं बोल करके नोट्स नहीं बनवाऊंगा, केवल आप समझते चलिए। अगर आपके पास कुछ बुक होगी तो आप उसे पढ़ लीजिएगा। जो स्क्रीन पे है, स्क्रीन पे यह है, ये नोट्स आपको नहीं मिलेगी। नोट्स आपके ग्रुप में सेंड कर दी जाएगी, दूसरी नोट्स, वो हिंदी में होगी, इंग्लिश में, दोनों में होगी। तो जितने लोग को अभी और कुछ कंफ्यूजन पूछ लीजिए, क्योंकि इसके बाद फिर मैं क्लास स्टार्ट करूंगा। किसी को और कुछ कंफ्यूजन हो प्लीज पूछ लीजिए। आई थिंक यहाँ पे GIC तक होगी, मे बी, देखते रहिए कब तक होती है, लेकिन पूरा खत्म हो जाएगा। हाँ, PDF मिलेगी, क्योंकि हम यहाँ पे एक एक चीज अगर बोलना शुरू कर देंगे तो फिर जाएगा 6 महीने के लिए। ठीक है? चलो आगे देखते हैं। अब अगर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आएगा, जिसकी हम बात करें लॉन्गिट्यूड की, जब हम बात करेंगे अपने देशांतर रेखा की, यहाँ पे जब हम बात करेंगे देशांतर रेखा की, तो देशांतर रेखा के बारे में कुछ सीखते हैं। जब देशांतर रेखा को देखेंगे, अब यहाँ पे हिंदी इंग्लिश की बात मत करना, क्योंकि यहाँ पे जो ये लिखे है ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में एक ही जैसा है। जब हम बात करते हैं अपने देशांतर रेखा में, तो हमारे पास आता है इस तरह से। इसी देशांतर रेखा में हमने कहा कि अगर पोल लिए हैं तो यहां पे हमारे पास दूसरा पोल होगा, इसको खींचते हुए हम क्या कर रहे हैं, इस तरह से हम क्या करें, लाइन को खींच देते हैं, और ये हम क्या करेंगे, इस तरह से लाइन को खींच देते हैं दोनों पोल को मिलाते हुए। तो क्या सारे लाइन्स को हमें खींचना है क्या? अगर इनको हम क्या करें, इस वाली लाइन को, अगर इसको हमने क्या किया, ये वाली जो हमारे पास लाइन है इसको हमने क्या कहा, जीरो अंश कहा है, इसको अगर हमने क्या कहा, जीरो अंश कह दिया, और बाकी लाइन को हमने कह दिया कि ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, आगे जो आएगी वो 3 डिग्री है, 4 डिग्री है, मतलब अपने गोले को मैं घुमा घुमा के 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री घुमाता हुआ चला आऊं। आपने बचपन में कोण बनाया होगा, बचपन में कोण बनाया होगा इस तरह से। ठीक है? ये कोण, अगर हम क्या करें, इस रेखा को खींच यहां पे घुमाते हुए चले जाएं, तो टोटल जो कोण बन जाएगा कितना, 360 डिग्री का बनता है। इसका मतलब है अगर हम अपने गोला को, अपने वृत्त को, इसको हम क्या करें, घुमाते हुए चले जाएंगे, तो यहां पर जो कोण होगा, जो 0 डिग्री वाला होगा वो ऐसा होगा, और जो 360 वाला होगा वो भी ऐसे ही होगा, लेकिन ये पूरा घूम घूम करके फिर से यहीं आ जाएगा और 0 वाला वहीं रह जाएगा। इसका मतलब जो 0 वाली लाइन है और 360 वाली लाइन है दोनों एक ही होगी। तो इसी तरह से हम क्या करें, 1 2 3 4 ऐसे होकर चले आएंगे, तो यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे 100, यहां पे 299 वाली होगी, और इसी पे आएंगे तो 360 वाली यहीं पहुंच जाएंगे 0 वाली पे। ठीक है? 0 से चले, कहां से घूम करके कहां चले आए, फिर से अपने 0 पे चले आए। ठीक है? अब ऐसे सीखो, जब आपने बचपन में कोण बनाया होगा यहां पे 0 डिग्री वाली, और आपने 180 बनाया होगा, तो देखा होगा ये इस तरह से था, 180 वाली जो है वो इसके ठीक अपोजिट में होती है, 180 वाली ठीक इसके अपोजिट में होती है यहां।
अब अगर हम अब इसी तरह से अप्लाई करें अपने पृथ्वी पर, पृथ्वी पर अगर इसको हम अप्लाई कर दें तो हमारे पास पृथ्वी पे क्या आएगा, जब हम इसकी बात करेंगे, इसकी बात करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, देखो ये है हमारे पास, फिर इसके बाद जो हमारे पास एक लाइन आएगी जीरो वाली, ठीक है, इसी के पीछे जीरो वाली के पीछे ही कौन सी होगी, 180 वाली लाइन होगी, ठीक है। तो इसका मतलब है हमारे पास जो देशांतर रेखा है, देशांतर रेखा है जो हमारे पास लॉन्गिट्यूड है वो दो तरह की है, एक हमारे पास क्या ले लेते हैं 0 डिग्री वाली, और दूसरी हम ले लेते हैं किसको, 180 अंश वाली, ठीक है। 180 अंश वाली कहाँ होगी, जीरो वाली के ही पीछे होगी, ठीक है। अब जब हम जीरो वाली लेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं मानक रेखा बोलते हैं, समय मानक रेखा बोलते हैं, और जब हम बात करते हैं 180 वाली की बात करते हैं तो यहां पे जो हमारे पास आता है 180 वाला, इसको हम लोग बोलते हैं दिनांक रेखा, ये हमारे पास क्या आती है, दिनांक रेखा के नाम से हम इसको जानते हैं, ये हमारे पास क्या है, दिनांक रेखा। इस वाले को हम लोग बोलते हैं टाइम लाइन, और इस वाले को हम लोग बोलते हैं डेट लाइन, ठीक है, डेट लाइन। जब हम बात करते समय मानक रेखा की, तो इस समय मानक रेखा पूरे विश्व के लिए है, इसलिए इसको बोलते हैं इंटरनेशनल टाइम लाइन के नाम से जानते हैं, इंटरनेशनल टाइम लाइन। और ये क्या करता है, दिनांक इसके हिसाब से हम करते हैं, तो हमारे पास क्या है, दिनांक रेखा है। अब आते हैं 180 वाले को, और यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे चलिए जब हम बात करेंगे अपने 180 और 0 वाले की बात करेंगे तो यहां पे कुछ चीज सीखते हैं। जब हम यहां पे बात करेंगे 0 वाले की और हमारे पास किससे आएगा, 180 वाले की, तो यहां पे हमने इसको क्या कहा, टाइम लाइन है। अब ये क्या होता है, जीएमटी के नाम से जानते हैं इसको, 0 वाले को, जीएमटी क्या होता है, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम लाइन होती है। कुल मिला के ऐसे समझो ग्रीनविच एक जगह है, कहां पे, ब्रिटेन में, इंग्लैंड में एक जगह है, वहां से 0 वाली लाइन क्या होती है, 0 वाली लाइन क्या होती है, गुजरती है, ठीक है, वैधशाला यहां पे है वहां से गुजरती है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, जीएमटी के नाम से रखा गया है, ठीक है। अब 0 वाली ही बात करेंगे तो 0 वाली जो लाइन होती है इसकी बात करेंगे तो ये क्या होती है, सीधी होती है, ठीक है, सीधी खींची जाती है कहां पे, पूरे गोलार्ध पे, पूरे हमारे पृथ्वी पे क्या होती है, सीधी खींची जाती है। लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी, यहां पे दिनांक रेखा की बात करते हैं, तो ये हमारे पास क्या होगी, पूरी पृथ्वी पर, पूरी पृथ्वी पर ये क्या होती है, जिग जैग खींची जाती है, टेढ़ी मेढ़ी खींची जाती है। ये टेढ़ी मेढ़ी क्यों खींची जाती है, इसका कारण है मैं आपको अभी बताऊंगा। चलिए यहाँ पे अखिलेश जी का क्वेश्चन आ गया, सर इक्वेटर लाइन पे कौन सा देश है, अभी आप रुके रहिए, आगे आगे मत जाइए, आई होप आपको पता है फिर भी आप पूछ रहे हैं, चलिए बाकी देखते हैं। अब आते हैं हम लोग अपने इस पे, तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास जो 0 वाली डिग्री वाली लाइन है, यहाँ पे जो 0 वाली देश है, तो हमने इसको क्या कहा कि यूके से जाती है, यूनाइटेड किंगडम से, और ये कहाँ से जाती होकर के, ग्रीनविच से होकर के जाती है। इसीलिए इसी तरह से हम देखें तो 180 वाला हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे जब 180 वाला आएगा तो 180 वाले को हमने क्या बोला, इंटरनेशनल डेट लाइन के नाम से भी हम इसको क्या करते हैं, जानते हैं, ठीक है। जब हम लोग बढ़ेंगे अपने आगे की तरफ, टोटल जो हमारे पास लाइन आई है अगर देखेंगे तो हमारे पास कितना है भाई, 360 टोटल लाइन होगी, ये सबको पता है, मैंने अभी आपको बताया 360 लाइन होगी। अब जो हमारे पास यहाँ पे है, यहाँ पे प्राइम मेरिडियन, इसको हमने कहा 0 वाली को प्राइम मेरिडियन टाइमलाइन के हिसाब इसको जाना, जिसको हमने जीएमटी के नाम से जाना है, और जो यहाँ का रॉयल ऑब्जर्वेटरी, यहाँ पे ग्रीनविच, ग्रीनविच है जो स्थान है जो लंदन में, वहां से होकर जाती है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, जीएमटी के नाम से रखा गया। जब हम आगे बढ़ेंगे इसमें, अब यहां से कुछ चीजें सीखनी हमें जो मेन हमारे पास काम आने वाली है, इसके लिए 180 वाली के लिए हमें यहां पे कुछ चीजें सीखनी है। चलिए अभी तक यहां पे जो लोग पढ़ चुके हैं, यहां तक किसी को समझने में कोई समस्या,
प्लीज पूछ लीजिए, यहां तक किसी को समझने में कोई समस्या है? आप लोग कंटिन्यू बात मत करिए प्लीज, इसमें जितने लोग भी यहाँ पे चैट कर रहे हैं प्लीज क्लास पे ध्यान दीजिए। अगर आपको बात करना है तो आप प्लीज इसको बंद करके कुछ और काम करिए, टाइम वेस्ट मत करिए अपना। किसी को समझने में दिक्कत, समस्या? चलिए आगे बढ़ता हूं फिर मैं। अब जब हम आगे बढ़ेंगे, अब इसको ध्यान से समझना। यहां पे जब हम आगे आएंगे, हमने क्या कहा, यहां पे हम 180 वाली की बात करने जा रहे हैं, जिसमें हमने क्या कहा है, समय मानक रेखा कहा है, सॉरी यहां पे दिनांक रेखा कहा है, दिनांक रेखा कहा है। अब अगर हम यहां पे इसको देखेंगे तो हमने कहा कि क्या है, ये जिगजैग है इस तरह से। अब हम यहां पे अगर देखें तो हमारे पास क्या है, यहीं पे अगर हम देखें तो हम क्या करते हैं, जीरो वाली देखते हैं पहले। यहां पे मैंने क्या कहा, जीरो वाली है ये, और इसी के पीछे हमारे पास कौन सी है, 180 वाली है, ठीक है यहां पे। अब अगर हम देखें यहां पर इस साइड जीरो वाली में हमारे पास यहां क्या पड़ेगा, इस दिशा में अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास पूर्व है, इधर आगे हम बढ़ेंगे तो हमारे पास क्या है, पूर्व है। अगर हम इधर चलते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, पश्चिम आएगा, ठीक है। अब यहां पे ठीक समझो, यहां पर अगर हम जीरो वाली पे हैं, अब अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो हम पूर्व की तरफ अगर जा रहे हैं तो ये हमारे पास पूर्व है, इधर अगर हम चल रहे हैं तो ये हमारे पास क्या है भाई, पश्चिम की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आप सबने मैथ भी पढ़ी होगी, यहां पे जब मैथ पढ़ते हैं, जैसे जीरो वाली को हमने यहाँ पे जीरो कह दिया, इधर जब हम बढ़ेंगे अपने लाइन पे तो यहाँ पे हम धनात्मक लेते चलते हैं, लाइन पे धनात्मक, और जब जीरो के इधर बढ़ते हैं पास क्या आता है, वो ऋणात्मक आता है, इधर जब हम चलेंगे पॉजिटिव, इधर चलते हैं हम लोग निगेटिव। इसी तरह से यहाँ पे जीरो वाली पे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे तो ये हमारे पास इधर जो समय होगा उसको हमेशा किसमें लेंगे, धनात्मक लेंगे। और अगर हम यहां से जीरो वाली से पश्चिम की तरफ बढ़ेंगे तो यहां से समय हमेशा हम क्या लेंगे, ऋणात्मक लेंगे, यहां से समय हम क्या लेंगे, हमेशा ऋणात्मक लेंगे, ठीक है। इतनी पॉइंट यहां पे आपको याद करके रखना होगा, जीरो वाला, और यहां पे जीरो से इधर जाते हैं ईस्ट की तरफ पॉजिटिव, इधर वाला जाते हैं निगेटिव। अब कुछ चीजें यहां पे समझाऊंगा, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसको समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। देखो समझो इसको, यहां पे समझिएगा, जब हम लोग यहां पे देख रहे हैं जो विषुवत रेखा को, विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा मतलब एक हमने क्या किया, चिप्स काट लिया, प्लेट, प्लेट को काट करके मैंने यहां पे रख लिया, ये मैं जो आपको दिखा रहा हूं समझ में आना चाहिए। जब आप इसको फ्रंट से अपनी तरफ से देखेंगे तो यहां पे जो हमको इस वाले पार्ट में जो हमारे पास जीरो वाला है, ये जीरो वाली लाइन, ये यहां पे है जीरो वाली, इस तरह से ये जीरो वाली लाइन है, ये हमने किसको कहा है, विषुवत रेखा, तो विषुवत रेखा को हमने काट करके यहां पे लगा दिया, इसके पीछे ही घूम करके ये लाइन गई होगी, ये घूम करके चली आई विषुवत रेखा वाली। अब हमने जो ये लाइन खींच रखी है इसको मैंने लाल से दिखा रखा है, ये हमारे पास जीरो वाली है, ये हमारे पास जीरो वाली है, और ये हमारे पास इसके जस्ट पीछे कौन सी है, 180 वाली है, ठीक है। अब ऐसे देखिए, जब हम लोग क्या करेंगे अपने इस पे, अपने इस पे जीरो की तरफ बढ़ते चले जाएंगे तो धनात्मक आता जाएगा 1 डिग्री, फिर इधर चले जाएंगे धनात्मक, इधर चलेंगे धनात्मक, धनात्मक, यहां से अगर हम इधर बढ़ते चले जाएंगे तो हमारे पास क्या आता चला जाएगा, कहां तक, यहां तक हम पहुंच जाएंगे, कहां तक, धनात्मक रहेगा सब में। यहां से जब हम चलते जाएंगे तो हम सबके पास हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे पॉजिटिव समय मिलता चला जाएगा, मतलब हम किधर बढ़ते जा रहे हैं, पूर्व की तरफ हम क्या बढ़ते जा रहे हैं, अपने इसमें बढ़ते चले जा रहे हैं, ठीक है। मैं फिर क्लियर कर दूं, ये एक लाइन नहीं है,
ऐसे अगर देखें इसको हम पूरी यहां से काट दें, यहां से अगर हम काट के इसको फैला दें तो हमें क्या मिलेगा, कुछ ऐसे लाइन की तरह मिलेगा। तो यहां पे मैं हूं, जीरो पे हूं, और हम लोग क्या कर रहे हैं इस तरह से बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, और काट के हम कहां पहुंच जाएंगे, 180 वाली पे। इसको मैंने जब काट के यहां से फैलाया है तो ये वाला पॉइंट कहां आ गया, इधर भी आ गया 180 वाला। जब मैंने इसको यहां से काटा है और इसको फैला दिया है, ये हम कहां पहुंच गए, वहां पे 180, और ये वाला 180 यहां पे। तो जीरो वाले से जब इधर जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और जीरो वाले से जब इधर जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, चलिए अब अगर यहीं पे समझिएगा, क्योंकि यहां से कंफ्यूज होते हैं बच्चे। जब जीरो वाली से हम लोग अगर बढ़ते चले जाएं, जो हमारे पृथ्वी है 24 घंटे में क्या करती है, एक पूरा गोला घूम लेती है। मतलब कि क्या कहा जाए, 24 घंटे में 360 अंश क्या करती है, घूमती है। 24 घंटे में कितना घूमती है भाई, 360 अंश घूम लेती है 24 घंटे में। तो 24 घंटे में क्या करेगी भाई, ये 360 अंश घूम लेती है पृथ्वी हमारी। इसका मतलब है कि अगर हम जीरो से इस 180 तक की बात करें तो हमारे पास कितना आएगा, 12 घंटा, और इस जीरो से इधर के 180 से बात करें तो हमारे पास कितना आएगा, 12 घंटे आएंगे। ठीक है, चलो जब इस जीरो से इधर हम जाएंगे तो हमारे पास प्लस का बार आएगा, और जब हम इधर जाएंगे तो हमारे पास ऋण का बार आएगा। इसका मतलब यह हुआ कि यहां से अगर हम घूमते हुए चले जाएं पूर्व की तरफ, अब पूर्व की तरफ बढ़ते चले जाएं तो हम कितना आगे चले जाएं, यहां से जीरो से स्टार्ट किए आगे बढ़ते चले जाएं तो कितना पहुंच जाएंगे, 12 घंटे यहां धनात्मक, और इधर अगर चलते चले जाएं तो 12 घंटे ऋणात्मक। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आपको उसका जवाब देना है। अगर ये पॉइंट नहीं समझ में आएगा तो आप मुझे बता दीजिएगा, इसको मैं स्किप कर दूंगा। फिर इधर हम कहां पे हैं, प्लस 12 घंटे इस वाले पॉइंट पे, यहां पे मान लेते हैं बी वाले पॉइंट पे। अब हम मान ले कि ये हमारे पास ए पॉइंट है, इधर ऋण का 12 है, तो ए वाले से बी वाले तक में अगर हम अंतर की बात करें तो दोनों में कितने घंटे का अंतर आएगा, दोनों में कितने घंटे का अंतर आएगा। आपने इतनी हल्की फुल्की मैथ पढ़ी होगी, प्लीज आप कमेंट करके बताइए। प्लीज कमेंट करके बताइए। नोट्स आपको बनाना नहीं है, नोट्स आपको मिल जाएगी, नोट्स आप लोग को नहीं बनाना है। यहां से जो नोट्स जाएगी वो ऑलरेडी इतनी सही है कि आपको उसके अलावा नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। यहां पे जब हम हैं जीरो से यहां 12 घंटा, जीरो से यहां 12 घंटा, तो ए और बी बी के बीच कितने घंटे का अंतर आएगा। थोड़ा आपसे मैथ्स का है, बहुत आसान क्वेश्चन है, देखता हूं इसमें कौन जवाब सही देता है। लॉरेंस दीक्षित ने 24 घंटे का दिया है, विजय वर्मा ने यहाँ पे 12 12, 24 घंटे। और लोग बताएं भाई, और लोग बताएं प्लीज, कितने घंटे का अंतर आएगा। परी त्रिपाठी जी 12 घंटा बता रही हैं। देखो 12 प्लस 12 लिख के मत बताओ, यहाँ पे हिंदी मतलब लिख के बताओ टोटल कितने घंटे का अंतर। अखिलेश पासवान जी 12 घंटे, पूजा जी बता रही 24 घंटा, बाकी लोग बताओ भाई। अभी जैसा मैं उसको स्क्रीन पे दिख रहा है, काफी लोग लाइव हैं। विजय कुमार जी 23 बता रहे हैं, बाकी लोग बताएं 24 घंटे। कुसुम देवी जी, चलिए अब यहां पे समझो, यहां पे अगर हम देखें जिनको थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो भाई यहां पे ये मैथ मैथ नहीं है, हम घंटे की बात कर रहे हैं। इधर जाकर आपने अपना टाइम वेस्ट कर दिया कितना, 12 घंटे, इधर आपने अपना टाइम वेस्ट कर दिया कितना, 12 घंटा। तो 12 घंटा उधर, 12 घंटा इधर, टोटल कितने घंटे हुए, 24 घंटे हुए। जब हम बात करेंगे टोटल 24 घंटे की, इसका मतलब ये हुआ, पीछे आते हैं, जब हम इस वाले पे पीछे आएंगे तो यहां पर अगर आप देखोगे
यहां पर जब देखोगे इधर से चलते हुए हम कितना ले गए, यहां से धन का 12 ले गए, और इधर जब हम चलते चले जाएंगे तो यहां पे हमारे पास ऋण का 12। इसका मतलब है कि कोई बंदा अगर यहां बैठा हो, किस पे, ए पे बैठा हो, और कोई बंदा यहां पर बी पे बैठा हो, ठीक है, कोई बंदा, मेरा हाथ देखिएगा आप लोग, मेरा हाथ देखिएगा, कोई बंदा इधर ए पे बैठा है, कोई बंदा इधर बी पे बैठा है, और उसके बीच से, जैसे मैं खड़ा हूं, मैं बीच में खड़ा हूं, इस हाथ दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में अगर देखें तो दोनों के बीच में कितने घंटे का अंतर है। मेरे फेस को मुझे आप मान लीजिए कि 180 अंश वाली क्या है, रेखा है, ये मेरा हाथ क्या ए है और ये वाला बी है, इसके पास 12 घंटे, इसके पास 12 घंटे, ठीक है। अब अगर मैं दोनों को कहूं कि दोनों के बीच कितना अंतर, तो दोनों के बीच 24 घंटे का अंतर है। ए के बीच और बी के बीच में कितने घंटे का अंतर है, 24 घंटे का, ठीक है। और 24 घंटे का मतलब क्या हुआ, एक दिन होता है, 24 घंटे का मतलब क्या हुआ, एक दिन। तो 24 घंटे का मतलब क्या हुआ भाई, एक दिन हुआ, सोचो। एक लाइन ही क्या कर रही है, एक लाइन 24 घंटे का अंतर करवा रही है। अगर ये बंदा इधर चला जाए 24 घंटे का अंतर, ये ए वाला बी में चला है 24 घंटे का अंतर हो जाता है। अब यहां समझते हैं ठीक से, अब यहां पे समझते हैं जो मैंने आपको बताने की कोशिश करी इतने डिटेल से, उसको यहां पे ठीक से समझना। यहां पर जो लाइन है आपको दिख रही होगी स्क्रीन पे, ये वाली, ये जो लाइन है यहां से, ये है 180 वाली लाइन, ठीक है। अब हम कहां चल रहे हैं, जीरो वाली के पीछे हमने अपने ग्लोब को घुमा दिया। जब ग्लोब को हम घुमा देंगे तो ये वाला हमारे पास क्या हो गया, वेस्ट हो गया, पश्चिम, और ये वाला हमारे पास क्या हो गया, पूर्व हो गया। आई होप ये आप लोग समझ पा रहे होंगे। हमने क्या किया, पहले हाथ मेरा ऐसे था, अब मैंने जब इसको ऐसे घुमाया तो मेरा जो अंगूठा है आप देख सकते हो पहले किस में था, पूर्व की तरफ था, अब जब घूम जाएगा किधर आ गया, पश्चिम की तरफ। इसी तरह से ये क्या हो गया, ये मेरा, ये वाला पहले ईस्ट था, अब क्या हो गया, वेस्ट, और ये वाला क्या हो गया, अब ईस्ट हो गया। तो अभी हमने देखा था पीछे जा करके अपने स्क्रीन पे, यहाँ पे स्क्रीन पे देखा था कि 180 के बीच में कितने घंटे का अंतर आ रहा है, ए और बी के बीच में 24 घंटे का अंतर आ रहा है, ठीक है। अब यहां पे देखो, जब हम इन दोनों के बीच बात करेंगे, किसके बीच, ईस्ट और वेस्ट के बीच बात करेंगे, तो कोई बंदा जो ए है यहां पर और बी यहां पे बैठा हुआ है, अगर ए को हम बी वाले में भेज दें, ए वाले को बी में भेज दें, मतलब पूर्व से कोई पश्चिम में कूद जाए, पूर्व से 180 वाली लाइन को छोड़ करके किस में कूद जाए, पश्चिम की तरफ, तो उसे 24 घंटे का नुकसान हो जाएगा। अब कोई बंदा पश्चिम से पूर्व की तरफ अगर कूद आए तो उसे 24 घंटे का फायदा हो जाएगा। ये चीज जो मैंने बोली आप सबको समझ में आई, जब ये वाला जो पॉइंट है, ये जो लाइन है, इस लाइन को अगर आपने पार किया, अपने पास ये 24 घंटे लेके बैठा है, ये 24 घंटे खुद लेके बैठा है, लेकिन जो बंदा यहां पे पूर्व से पश्चिम जाएगा उसे एक दिन का नुकसान हो जाएगा, मतलब ये 24 घंटा उससे खा जाएगा, और जब पश्चिम से पूर्व जाएगा तो उसे वो 24 घंटे दे देगा। ये पॉइंट समझ में आया, अरे ऐसा क्यों, अभी अभी तो समझाया, अभी अभी तो यही तो समझा रहा था कि इन दोनों के बीच में 12 घंटे, 12 घंटे मतलब टोटल कितने घंटे अंतर, 24 घंटे का मतलब एक सिंपल लाइन, एक केवल 180 अंश वाली लाइन ही क्या करती है, 24 घंटे का अंतर रख रही है, ठीक है। नहीं समझे, आई नो, मुझे पता था नहीं समझ में आएगा। लारेन दीक्षित जी, आप पूरी क्लास को फिर से देखिएगा, आप लेट हैं।
किसी को समझ में आया? अजय वर्मा, बाकी लोग बताएं, जब ना समझ में आया हो तो बताइएगा। यहाँ पे और लोग भी यहाँ पे मैसेज करके बताएं कि समझ में आया कि नहीं। जो मैंने चौबीस यहाँ पे 24 घंटे का अंतर मैंने बताया कि अगर हम क्या करेंगे, इस वाली लाइन से इधर पार करके जाएंगे, इस वाली लाइन से हम पार करके जाएंगे, तो जब यहाँ से पूर्व से पश्चिम जाएगा तो उसे एक दिन का नुकसान हो जाएगा, और जब पश्चिम से पूर्व आएगा तो एक दिन का फायदा हो जाएगा। और हम कौन सी लाइन की बात कर रहे हैं? तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 180 अंश वाले लाइन की बात कर रहे हैं। ये जीरो वाला नहीं है, 180 वाला है। जीरो वाले के पीछे हम जाके बात कर रहे हैं। जितने लोग भी हैं, क्या सबको समझ में आया? संकोच में मत बोलिएगा, नहीं बाद में मेरे जाने के बाद आप कंफ्यूज हुए। 24 दिन का नुकसान, चलो ऐसे समझ सकते हो, ऐसे समझ सकते हो। ये जो 180 वाला है वो एक दिन खा जाता है कुल मिलाकर के। कहां से? जब कोई पूर्व से कहां जाएगा, पश्चिम की तरफ जाएगा, तो एक दिन खा जाएगा, टैक्स लेगा, और जब पश्चिम वाला है से इधर आएगा तो उसे रिवार्ड देगा, ठीक है, 1 घंटा दे देगा। अब ऐसे सोच सकते हो, मान लो कि आप यहां पे बैठे हो, 31 तारीख में यहां पे बैठे हो, 31 तारीख में यहां पे आप बैठे हो, इस वाले में 31 तारीख कौन सी? ये दिसंबर का है, दिसंबर की रात में, और जैसे ही एक यहां पे जैसे ही 12 बज जाते हैं, आप यहां पे क्या करते हैं, नया साल मनाते। कहां पे? ईस्ट वाले में, इस पूर्व वाले में एक आप क्या करते हैं, नया साल मनाते हैं। लेकिन जैसे ही 1 तारीख की, जनवरी की 1 तारीख को रात में, 12 बजे अब हमारा जो नया साल है वो खत्म हो जाएगा, तो आप क्या करिए, यहां से उछल कर कहां चले जाइए, वेस्ट वाले में चले जाइए। जब इस वाले में आप जाएंगे, तो जब इस वाले में जाएंगे तो यहां पर, इस वाले में जाएंगे तो यहां पर 31 तारीख का, यहां पर 31 तारीख का अभी दिसंबर ही चल रहा होगा, और 12 जस्ट रात के बजने वाले होंगे, तो आप फिर से क्या कर सकते हैं, यहाँ नया साल मना सकते हैं। इस वाले में भी आपने इंजॉय किया, और इस वाले में भी आप क्या कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। ये पर्यावरण क्लास नहीं है, ये आपकी ज्योग्राफी क्लास है। बाकी सारी डिटेल्स के लिए विनीत जी आप फोन करके पूछ लीजिएगा, मुझे इसके बारे में नहीं पता है। चलिए, अंकिता श्रीवास्तव जी, ये चीजें मैं अब कल समझाऊंगा आपको, क्यों नुकसान फायदा होता है। आज क्योंकि टाइम हो रहा है, अभी सर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये जो क्लासेस हुई आज की, आई होप आपने इंजॉय करी होगी। बाकी और स्लाइड्स हैं, इसमें हम जल्दी तेजी से चलेंगे कल से, ठीक है। इसमें कुछ बचा नहीं है, लॉन्गिट्यूड लेटिट्यूड में हमें यहाँ पे टाइमलाइन के बारे में देखा है, तो कल मैं बाकी चीजें बताऊंगा आपके लिए। मैं एक होमवर्क छोड़ने जा रहा हूँ, इसी टाइमलाइन में हमारे भारत देश से भी क्या होती, समय मानक रेखा जाती है। समय मानक रेखा एक हमारे भारत देश से भी जाती है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो उसको हम बोलते हैं कितना, 82.5 अंश। कौन सा? ईस्ट है। 82.5 अंश कितना जाती है यहाँ से? ये पूर्व, मतलब भारत देश कहाँ है हमारा, यहाँ से जीरो वाले से कहाँ है, यहाँ पे पड़ेगा। तो इससे भी टाइमलाइन क्या होती, होकर के जाती है, होके जाती, जिसको हम क्या बोलते हैं, 82.5 अंश, क्या बोलते हैं, ईस्ट बोलते हैं। अब अगर देखोगे 82.5 अंश ये वाली जाती है, आपने जीएस में पढ़ा होगा, तो यहाँ पे एक काम आपके लिए होगा कि आप उसको देख लेना कि जो ये 82.5 वाली है कौन कौन से प्रदेश से होकर के जाती है, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए काम है कि यहाँ पे किस स्टेट से क्या होती है ये होकर के जाती है, तो ये आप लोग के लिए काम है, ये आपको देखना है। और जो क्लास अब हमारी स्टार्ट होगी वो काफी इफेक्टिव होगी और थोड़ी डिफिकल्ट होगी, ठीक है। तो आपसे मैं आशा करता हूं, आपसे मैं आशा करता हूं क्या, कि आपको भारत का मैप, इंडियन मैप, दूसरा यहां पे जो आपके सामने वर्ल्ड का मैप होगा, इसके बारे में आप थोड़ा बहुत जान लें। इंडिया के मैप के बारे में, वर्ल्ड के मैप के बारे में, इंडिया के मैप के बारे में, यहाँ पे आपको स्टेट्स एकदम क्लियर होने चाहिए। ये मैं नहीं सिखाऊंगा, स्टेट आप देखो, सीखो कौन सा स्टेट कहाँ पे है, उसकी राजधानी क्या है, ये आपको सीखना है।
वर्ल्ड के मैप में आप केवल कॉन्टिनेंट्स, अफ्रीका कहाँ है, अमेरिका कहाँ है, दक्षिणी अमेरिका कहाँ, ये सब आपको पता होना चाहिए। कौन कौन से सागर कहाँ कहाँ, ये पता होना, बड़े बड़े सागर की बात कर रहा हूं मैं, बाकी ताकि मैं जब आगे पढ़ाऊं तो आपको दिक्कत ना करे, ये चीजें आपको घर पे करके रखना है, ठीक है। तो बाकी हम कल से देखेंगे, थोड़ा सा तेज क्लास कल से करेंगे, इफेक्टिव क्लास होगी, जल्दी जल्दी इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, एंजॉय करिए।